आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, सविता मीना जो 201वीं रैंक से सेलेक्ट हुई है आरजेएस 2024 में, हमारे बीच में आइए और आप लोगों को अपनी सफलता यात्रा के बारे में और मोटिवेट है वो करेगी इस आगे की तैयारी है वो करने के लिए। सविता को और सविता के पिताजी जनान मीणा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सविता ने 2019 में LLB राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, 2023 में LLM किया टॉट एंड क्राइम में RU से, और RJS का ये सविता का थर्ड अटैम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू था। पिछला 2022 में भी इंटरव्यू दिया था और इस बार भी दिया, 2024 में भी इंटरव्यू। इसके अलावा सविता ने दो इंटरव्यू और दिए, एक JLO 2023 का इंटरव्यू दिया, मेरा और सविता का एक ही दिन इंटरव्यू था RPSC में, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है वो इंटरव्यू दिया सविता ने। इन दोनों में JLO और असिस्टेंट प्रोफेसर में वेटिंग में है वो सविता का, फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ, और अल्टीमेटली जो है भगवान की कृपा से और इसकी मेहनत से जो है इस बार ये RJS में फाइनली 201वीं रैंक से जो है वो सेलेक्ट हुई। अपने संस्थान से सविता जो है 2022 का जब इंटरव्यू था तब वह वो जुड़ी थी, और उसके बाद जो है उस एग्ज़ाम में वो नहीं हुआ, या उससे पहले जुड़ गई थी सविता इंटरव्यू के टाइम में, हाँ उसके बाद जो है वो RJS मेंस की है वो टेस्ट सीरीज ली अपने यहाँ से, और JLO पिछला इंटरव्यू, आज इस बार वाला RJS इंटरव्यू, इन सब की तैयारी अपने कोचिंग से वो की। और क्या फ़ायदा हुआ यहाँ की टेस्ट सीरीज से, और जो हमने इंटरव्यू गाइडेंस के लिए क्लासेज चलाई, मॉक इंटरव्यूज वगैरह लिए, टॉट एंड क्राइम में इसका स्पेशलाइजेशन था तो इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस दागे थे मॉक इंटरव्यू के टाइम जो है उसमें से, रियल इंटरव्यू में कोई इनको फ़ायदा हुआ वही क्वेश्चन वहाँ रिपीट हुए या नहीं, ये सब सविता अभी है वो बताएगी आप लोगों को। सविता से मेरा आग्रह रहेगा कि वो स्टेज पे वो आए, और इससे पहले सविता भी आए और सविता के पिताजी भी साथ में आए, वो भी है वो स्टेज पे आए। सविता की थोड़ी इधर आ जाइए आप, सविता के RJS बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक और लाइए, सविता आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं RJS करने के लिए, आप बैठे। सविता से मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपनी सफलता यात्रा के बारे में वो स्टूडेंट्स को वो बताए, और यहाँ से जो टेस्ट सीरीज वगैरह इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह लिया उससे क्या एग्ज़ाम में वो रियलिटी में फ़ायदा हुआ वो भी बच्चों को बताए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया, और सर ही सबसे बड़ी वजह है कि आज मैं यहाँ आपके सबके सामने खड़ी हूँ। सर से मैं 2022 के इंटरव्यू में जुड़ी थी और उसमें फाइनल सिलेक्शन मेरा 3 नंबर से रह गया था, तो उसके बाद ऑब्वियसली सबके साथ यही होता है कि काफ़ी होपलेस हो जाते हैं, तो उसके बाद मैं सर से मिली, फिर सर से मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके बाद मैंने सर की मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी जो मैंने लगभग 6 से 7 महीने में कंप्लीट कर दी, और सारे टेस्ट लिखे, और सर ने जो जो मुझे गलतियां बताई या जो जो मेरी कमियां बताई उनको, उन पे मैंने काम किया, और उसके साथ ही मैंने लगभग मैंने 2023 की जुलाई में ही वो सारी ख़त्म कर दी थी, और साथ के साथ में एक रजिस्टर मेंटेन किया मैंने, काफ़ी मोटा रजिस्टर था जिसमें कि मैंने सारे क्वेश्चन लिखे और उनके बीच में मैंने सारी जगह छोड़ दी, और उसके साथ ही जो जो क्वेश्चन मुझे पहले के आए हुए माइनर के लगे तो उनको भी मैंने लिखा, और जो अभी जो तैयारी की इस बार मैंने मेंस में तो उस रजिस्टर को वापस लिखा और पूरा भर दिया मैंने, पूरी टेस्ट सीरीज जो मैंने पहले गलतियाँ की थी मैंने वो भी देखी, और उसके बाद मैंने इसको भी पूरा लिखा, और कॉम्बो के मैंने लास्ट 5 डेज जो बचे थे उनमें पूरे के पूरे 10 पेपर लिख दिए और सर को चेक भी करवाए, तो ये इसमें मुझे बहुत बड़ी मदद मिली सर की। और उसके साथ ही इंटरव्यू गाइडेंस में मुझे JLO में भी मिला, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मैं सर से मिल के गई थी एक बार, और उसके बाद अभी के इंटरव्यू में भी सर के साथ मैंने 2 मॉक इंटरव्यू दिए, और जिनमें सर ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, और जो सर ने मुझे क्वेश्चन पूछे टॉट एंड क्राइम के वही क्वेश्चन उन्होंने मुझे वहाँ पूछ लिए कि जैसे टॉट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कहाँ डेफिनेशन है, इंजूरिया साइन डेमनम, जो जो
टोट के जो जो मेन मेन क्वेश्चन थे वो सारे उन्होंने पूछ लिए, और ये भी पूछ लिया कि टोट की जरूरत क्यों पड़ी जबकि अपने यहाँ पिनल कोड दे रखा है। तो इस तरीके से पूरे लो पे ही चला, और पूरे टोट ही टोट के जो जो सर ने क्वेश्चन करे वही उन्होंने मुझसे पूछा वहाँ पे। तो इस वजह से काफ़ी अच्छा गया। जीके मुझे नहीं पूछी गई, लेकिन ये इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा था, और सर की गाइडेंस। और कितने नंबर मिले आपको? सर मुझे 14 नंबर मिले थे। 14 जी सर, ठीक, अच्छे मार्क्स है 14। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि सर को फॉलो करते रहिए, सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे डर लगता था जब मैं सर से पूछती थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं मैसेज ही कर देती थी सर को, सर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। पर सर इतने जेन्युइन हैं कि हर मैसेज का आपको रिप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये चीज़ है कि सर की बात मानते रहिए। और यही कहना चाहूँगी कि जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया तो ठीक है, लेकिन निराश मत होइए। मेरा भी तीसरा अटैम्प्ट था, मैं भी काफ़ी होपलेस हुई थी, लेकिन नहीं होना चाहिए। और सपने आप देखते हैं, आपके पीछे आपके माँ बाप पूरी फैमिली सपने देखती है, तो छोड़े मत उसको फॉलो करते रहिए। एक ना एक दिन आपका सपना ज़रूर पूरा होता है। और अपनी गलतियों को सुधारें, अपनी कमियों को पूरा करें, और सर जो चीज़ें बताते हैं बस उनको फॉलो करते रहिए। तो यही कहना चाहूँगी, और बस छोड़ना मत। और अपन ही लो के स्टूडेंट हैं, अपन ही आरजेएस बनते हैं, कोई और नहीं आता है, तो लगे रहिए बस। मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सर। बैठिए। सविता ने अपने इस सारगर्भित उद्बोधन में बहुत कुछ बयां कर दिया। आपको फॉलो करना है कि हिम्मत नहीं हारनी है। एक बार नहीं होता है, दो बार नहीं होता है, तीन बार नहीं होता है। सविता से भी ज़्यादा संघर्षशील कैंडिडेट कोमल खत्री वगैरह भी आपके बीच में है, वो आए तो उन लोगों ने पांच है वो अटैम्प्ट है वो दिए। तो आप प्रयास करते रहना बस, और उस बात को याद रखना है आपको कि जो बीच राह में बैठ जाते वो बैठे ही रह जाते हैं, और जो लगातार चलते रहते वो निश्चय मंजिल पाते हैं। इस बात को याद रखना है। चार खंभे जो है, सिविल, क्रिमिनल, हिंदी और इंग्लिश, इन सभी चारों खंभों को बराबर वेटेज देना है, और बराबर इनकी आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आप भी एक दिन है वो सेलेक्ट होंगे। सविता को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं, अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें, और पदोन्नति के माध्यम से जो है वो न्यायपालिका में अपना उच्चतर है वो पद है वो हासिल करें। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।